हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज अपना टॉपिक हैगा राइटिंग टास्क वन। राइटिंग टास्क वन के आप लिखनी होंगी है 150 तो लैके 180 वर्ड्स, तो अपने को टाइम होंगे 20 मिनट का। ये आप चार डीपी बनाने होंगे। सब तो पहला होंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के आप 3 डबल्यू फॉलो करनी होंगी है। इन तीन डबल्यू का मतलब आ वट वेयर वैन। बट मतलब की मतलब आप किस टॉपिक बारे गल कर रहे हैं। जिमें फॉर एग्जाम्पल आपां दिता होया है कि आस्ट्रेलिया दे विच प्लास्टिक नू रिसाइकल किया गया। सो अपना टॉपिक ही हो गया प्लास्टिक रिसाइकलिंग। कित्थे किया गया? आस्ट्रेलिया दे विच। सो डबल्यू का सैकेंड डबल्यू वेयर किहड़ा आ गया? आस्ट्रेलिया। वैन कदों? मतलब आप एक साल बारे भी कह सकते हैं कि 1998 दे विच उन्होंने रिसाइकल किया है, या फिर आपां 5 साल का टाइम भी दे सकते हैं, या फिर इदा कर सकते हैं कि जो पास्ट विच गल हुई है उहदे बारे दस सकते हैं, एंड फ्यूचर की प्रडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एंड इदा भी कर सकते हैं कि पास्ट प्रेजेंट ते फ्यूचर तिन्ना नू इनकलूड करके आपां नू की आ दे सकते हैं कोई भी टास्क। सो नैक्सट बॉडी पैराग्राफ वन दे विच फॉर एग्जाम्पल आपां ले लईए पाई चार्ट। जिवें अपने कोल 2 पाई चार्ट दित्ते हुए आ, ते हर एक पाई चार्ट दे विच 6 पॉइंट आ। आपां इह नहीं करना कि बॉडी पैराग्राफ वन दे विच एक पाई चार्ट नू पूरा एक्सप्लेन कर दईए, नहीं इदा बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा आपां की करना होंदा, कंपैरिजन करना होंदा कि जिवें पाई चार्ट वन दे आपां की कीते 3 पॉइंट चक ले, उही 3 पॉइंट की आपां पाई चार्ट सैकेंड दे चक ले, फिर इन्हां दा की आपस दे विच कंपैरिजन करके बीपी वन दे विच लिख दो, फिर बीपी टू दे विच की करना है जिहड़े 3 पॉइंट्स अपने रह गए, 3 पॉइंट्स जिहड़े रहिंदे आ पाई चार्ट वन दे उह चक लो, ते 3 पाई चार्ट सैकेंड दे जिहड़े पॉइंट्स रहिंदे आ उह चक लो, फिर उन्हों का कंपैरिजन करके बॉडी पैराग्राफ टू बना दो। फिर लास्ट से अपना क्या आ गया? ओवरऑल। ओवरऑल दे विच आपां की करना होंदा है? हाईएस्ट ते लोएस्ट एक्सप्लेन करना होंदा है। इहदे विच आपां कोई भी ईयर मैनशन नहीं करना होंदा, ना ही आपां कोई की है परसेंटेज मैनशन करनी होंदी है। इहदे विच सिर्फ आपां दसना है कि कहड़ी चीज़ सब तो ज़्यादा हाईएस्ट ही या कहड़ी चीज़ सब तो ज़्यादा लोएस्ट ही। आपां इह भी दस सकते हैं या कि चीज़ मतलब उहदे विच कोई चेंजस नहीं होए। ये अपनी लेंथ पर डिपेंड करता है कि जेकर अपने हाईएस्ट ते लोएस्ट दस्या अपने 150 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर इनफ आ, फिर तुहानू ज़्यादा उन्हू वड्डा करन दी जरूरत नहीं है। ओवरऑल की आपां छोटा लिखना होंदा है क्योंकि आपां उपर सारे पॉइंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके होंने। सो इसी अज राइटिंग टास्क वन का छोटा जिहा हिंट। सो आन वाली वीडियोज़ दे विच कि आपां राइटिंग टास्क की बड़ी वधिया तरीके नाल प्रैक्टिस करांगे। सो साडियां होर वीडियोज़ वेखण दे लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोज़। हैव अ गुड डे। थैंक यू।